हैं दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट ईजी हैशटैग कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। हम लोग बात कर रहे थे, अपने सीरीज ऑफ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं DDA एल्गोरिदम के बारे में। क्या है ये DDA एल्गोरिदम, समझेंगे अच्छे से, पूरा एल्गोरिदम को समझेंगे विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा एल्गोरिदम का जो अप्रोच है, आइडिया जो है, वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इसमें क्या है आखिर इस DDA एल्गोरिदम में। तो सबसे पहले इसको DDA नाम DDA है, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है। और ये इसका नाम डिजिटल डिफरेंशियल टाइप का ऐसा कुछ मैथमेटिकल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये लगभग मैथमेटिकल अप्रोच से ही डिराइव हुआ है। जो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लगभग आइडिया वही है यहां पे DDA एल्गोरिदम में, इसलिए इसको बोला जाता है डिफरेंशियल एनालाइजर, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर DDA। अब DDA एल्गोरिदम के बारे में हम लोग को जानना है, तो बेसिकली ये एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है। हम लोग को ये लाइन ड्रॉ करने में ये मदद करेगा। कैसे हम लोग इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो आइडिया है कुछ इस तरीके का आइडिया है। हम लोग जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन को अगर मेरे को यहाँ पर से ऐसा ड्रॉ करना है तो क्या होगा, हम लोग को लगातार यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट से मिलके ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मेरे को अगर ये स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, हर बार ये अगर मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये अगर मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो इस पॉइंट की मदद से मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट निकालूंगा, इस पॉइंट की मदद से मैं ये वाला पॉइंट निकालूंगा, इस पॉइंट की मदद से ये वाला, फिर ये वाला, फिर इस पॉइंट की मदद से ये वाला, और फिर ये वाला। इसका मतलब मैं कुल मिला के, और लास्ट में ये वाला। इसका मतलब मैं कुल मिला के करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, करना हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है मेरे, ये पॉइंट्स की मदद से, पिछला पॉइंट की मदद से हम लोग अगला पॉइंट निकालते हैं, मतलब प्रीवियस पॉइंट की मदद से अगला पॉइंट निकालते हैं, और लगातार इंक्रीमेंटल फैशन में काम करते जाते हैं। तो इसके लिए इस एल्गोरिदम को इंक्रीमेंटल अप्रोच एल्गोरिदम भी हम लोग बोल सकते हैं। ये DDA एल्गोरिदम, और अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बोल सकते हैं which should be turned on are sometimes called DDA। तो वही कुछ अप्रोच है जो मैं आपको यहां पे बताया। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द टू एंड पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 आर साइमल्टेनियसली इंक्रीमेंटेड बाय डेल्टा x एंड करस्पॉन्डिंग डेल्टा y। तो बोलने का मतलब वही है कि ये मेरा एंड पॉइंट है, ये वाला मेरा एंड पॉइंट है, तो इस एंड पॉइंट की मदद से मैं क्या किया, इसको लगातार इंक्रीमेंटेड फॉर्म में, इंक्रीमेंटल अप्रोच को यूज करके आगे बढ़ा और लाइन को अपनी ड्रॉ कर लिया। अब पहले समझते हैं एक क्वेश्चन, जिससे हमारा एल्गोरिदम हम लोग के लिए हो जाएगा काफी आसान। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे, तब हम लोग को ये एल्गोरिदम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में भी आता है यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, रेस्टराइज करना है पॉइंट्स को। ये जो लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 0.0 से लेके आपको जाना है 4.6 तक के, यूजिंग द सिंपल DDA एल्गोरिदम। तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख भी दिया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ ना हो, ठीक है। एक एक स्टेप इसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इस एल्गोरिदम को हम लोग समझेंगे। एल्गोरिदम मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा यहाँ पे, उसके पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे ना, तो एल्गोरिदम समझना काफी आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है x1 y1 ये लिखे, ये दूसरा पॉइंट लिखा है x2 y2 ये लिख लिए 4.6। अब देखिए डेल्टा x जो है मेरा, डेल्टा x क्या होता है हम लोग का, x2 - x1। तो देखिए यहां पे 4 - 0 इज व्हाट 4। अब डेल्टा y वैसे निकाल लेंगे, 6 - 0 इज व्हाट 6। तो ये डेल x निकल गया, डेल y निकल गया। लेंथ कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए लेंथ ना डेल्टा x और डेल्टा y में से जो भी बड़ा होगा वो मेरा हो जाएगा लेंथ। याद रखना ना, जो भी स्टेप मैं आपको बोल रहा हूं एकदम आपको सेम एज इट इज एल्गोरिदम में अप्लाई होंगे। सबसे पहले पॉइंट्स लिए 0.0 और ये है मेरा 4.6। डेल्टा एक्स निकाले, डेल्टा वाई निकाले, लेंथ क्या होगा इन दोनों में से, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में से जो भी बड़ा होगा वो मेरा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे अपना एक्स को हम लोग को कितना इंक्रीमेंट करना है और वाई को हम लोग को कितना इंक्रीमेंट करना है। x increment is equal to formula simple सा होता है x2 minus x1, मतलब वही हमारा delta x upon length, वैसे y2 minus y1 upon delta upon length, ये उसका formula होता है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4 minus 0 upon 6, ये हो गया हम लोग का 2/3, लगभग 0.667 कुछ होगा, ठीक है। और y increment की अगर value निकाले तो ये हो जाएगा हम लोग का y2 minus y1, मतलब 6 minus 0 upon 6। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे, obviously यहाँ पे length की value कभी या तो delta y आएगी, कभी या तो delta x आएगी।
तो अगर डेल्टा वाई आई उसको हम लोग डिवाइड करें यहाँ पे लेंथ से, तो यहाँ पे आया 1। तो यहाँ पे ये चीज आप नोट करेंगे कि हर बार ऐसा जरूर होगा कि या तो एक्स इंक्रीमेंट या तो वाई इंक्रीमेंट, किसी ना किसी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, हर बार ऐसा होगा ही। देखिए फिफ्थ स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में x इज इक्वल टू पुराना x प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ डेल x का हम लोग को यूज करके यहाँ पे नया नया x का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू पुराना x प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ डेल x, वैसे ही हम लोग को क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो ये 0.5 कहाँ से आया, साइन ऑफ डेल x का मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि जब हम लोग हमारा जो कंप्यूटर रहता है वो इतना सक्षम नहीं रहता है कि वो राउंड ऑफ कर पाए, और हम लोग को यहाँ पे करना है राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज किए 0.5 का। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या किए, साइन ऑफ डेल एक्स का यूज इसलिए किए ताकि ये हमारा जो एल्गोरिदम है वो चारों क्वाड्रेंट के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग किए क्या है, असलियत में हम लोग एक ये हम लोग को एक टेबल बनाना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। तो इस तरीके का हम लोग को एक टेबल बनाना है, कैसे बनाना है ये टेबल ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब मेरा आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो जब आई का वैल्यू 1 होगा तो देखिए स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्या था मेरा, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट मेरा क्या था, 0,0 था। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो ये 0 प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ डेल एक्स, साइन ऑफ डेल एक्स जो हमारा साइन फंक्शन होगा हम लोग उसको ऐसा बनाना है कि वो जब पॉजिटिव आए वैल्यू तो वो 1 रिटर्न करे। ठीक है, तो ये 1 रिटर्न किया तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा x का वैल्यू। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे ही हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो भी क्या होगी, 1 हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि 0,0 था। उसके बाद देखिए अब हम लोग का ये जो नया पॉइंट आ गया 1,1 आ गया, तो आप चुपचाप से टेबल में क्या करेंगे, 1,1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अगला x का वैल्यू निकालना है इन दोनों की मदद से। ठीक है, लेकिन आप ये 1,1 लाए तो हैं लेकिन आपको यूज इसको नहीं करना है ना अपने अगले बार के लिए, ये तो हम लोग राउंड ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, आपको यूज 0.5 को ही करना है। ठीक है, यूज आप 0.5 को ही करेंगे लेकिन लिखेंगे टेबल में क्या, 1,1। ठीक है, तो देखिए x जब i का वैल्यू 2 होगा तो x इज इक्वल टू पुराना x, पुराना x क्या है मेरा, 1 है क्या, नहीं 0.5 है, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 ही लेंगे, 0.5 टाइम्स ऑफ प्लस जितना आप इंक्रीमेंट निकाले थे, इंक्रीमेंट कितना निकाले थे भाई, x में इंक्रीमेंट आपको लगातार करते आना है 0.667 का, और y में आपको लगातार इंक्रीमेंट करते आना है 1,1 का। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.667 इज व्हाट, 1.667 लगभग इसका वैल्यू, हम लोग इसको फिर से राउंड ऑफ कर दिए तो क्या हो गया, 1 हो गया। वैसे ही y की वैल्यू में आपको कितना इंक्रीमेंट करना है, तो भैया 1 इंक्रीमेंट करना है, तो 0.5 में आप 1 इंक्रीमेंट कर देंगे तो हो जाएगा 1.5, इसका मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, अब i का वैल्यू जब 3 हुआ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.167 ये जो हम लोग का आया था पुराना x प्लस इंक्रीमेंटेड वाला क्या है 0.667, तो हो जाएगा 1.834, इसका मतलब ये हो गया हम लोग का 2 हो जाएगा। अब वैसे ही y is equal to 1.5 plus 1.0, ये 1.5 पुराना वैल्यू प्लस 1.0 क्योंकि हम लोग क्योंकि इंक्रीमेंट करना है हम लोग को 1 से, तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम लोग कुछ टेबल बनाना है। वैल्यूज कैसे फिल करना है, देखिए सिंपल 1,1,1 के बाद क्या आया था हम लोग का वैल्यू, अगला x का वैल्यू आया था 1.167 और ये अगले वाले y का वैल्यू आया था 1.5। ठीक है, और यहाँ पे जो आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ करके लिखना है और यहाँ पे आपको ओरिजिनल वैल्यू ही लिखते जाना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग टेबल बनाए। अब भैया कब तक करते जाना है, तो भैया जब तक कि आपको जाना था, आपको कहां तक जाना था, 4,6, जैसे ही आपको मिल गया 4.46 मतलब राउंड ऑफ करके यहाँ पे हम लोग पहुंचे तो ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, तब तक के आपको यहां पे करते जाना है। तो इस तरीके से जब आप प्लॉट कर लेंगे ना तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए 0,0 के बाद आपको पॉइंट मिला 1,1, फिर 1,2, फिर 2,3, 3,4, 3,5 एंड देन 4,6, तो ये सारे मेरे को पॉइंट्स मिल गए। आपको प्लॉट करेंगे तो आपको लाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके का कुछ हमारा अप्रोच है। अब इसका हम लोग एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं जिससे हमारा आइडिया जो है पूरा क्लियर हो जाए, एग्जाम में अगर आता है एल्गोरिदम एक्सप्लेन करने तो हम लोग आराम से कर पाए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो हमारे एल्गोरिदम का है वो क्या बोल रहा है, ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे ये बोल रहा है कि रीड द लाइन एंड पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। हम लोग को सबसे पहले लाइन को रीड करना है, उसके जो इनिशियल पॉइंट्स है एंड पॉइंट्स है उसको रीड किए x1 y1 x2 y2, उसका डेल एक्स कैलकुलेट किए भाई वही किए थे, डेल वाई कैलकुलेट किए बिल्कुल किए थे,
उसके बाद हम लोग एक इफ कंडीशन लगा दिए, जो भी बड़ा होगा वो उसको लेंथ डाल दिए, ठीक है। डेल एक्स अगर बड़ा हुआ तो लेंथ की वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू स्टोर करा दिए लेंथ में, अगर डेल वाई की वैल्यू बड़ी हुई तो उसको लेंथ में स्टोर करा दिए, वही चीज आपको बताया था। उसके बाद फिर क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे रास्टर यूनिट निकालना है। रास्टर यूनिट का निकालने का मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंटेड, ये जो एक्स डेल एक्स लिखा हुआ है ये असलियत में आप चाहें तो इसको एक्स इंक्रीमेंटेड और वाई इंक्रीमेंटेड भी लिख सकते हैं, वाई इंक्रीमेंटेड। ये एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, x2 minus x1 upon length और ये y2 minus y1 upon length निकाल लेंगे। या तो यहाँ पे देखिए ये जो del x जिसको हम लोग x increment या फिर y increment बोल रहे हैं, आप del x del y भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसा दिया हुआ है, और इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट जब आप निकालेंगे तो कोई ना कोई आपको वन आएगा, जैसा कि आपको बताया था मैं, ठीक है। क्यों आएगा, ऑब्वियसली बात है, बहुत सिंपल सा है। और फिफ्थ पॉइंट में हम लोग जान रहे हैं x इज इक्वल टू क्या करना है, पुराना x प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ डेल x। साइन ऑफ डेल x है वो क्यों यूज करते हैं, ताकि चारों क्वाड्रेंट में हमारा काम करे एल्गोरिदम, ठीक है। और ये रिटर्न करता है माइनस वन जीरो और वन वैल्यू रिटर्न करेगा बस। और जो हमारा ये 0.5 फैक्टर है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा जो वैल्यू है नियरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाए, राउंड ऑफ हो जाए रादर देन ट्रंकेटिंग, ठीक है। ट्रंकेट ना हो जाए, हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि वो आसानी से राउंड ऑफ हो जाए। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, प्लॉट करना है पॉइंट्स को। तो ये लाइन को किसी भी एक पॉइंट को प्लॉट करने का लॉजिक है, आई को सबसे पहले वन रखे, वाई लूप दौड़ा दिए, आई लेस देन इक्वल टू लेंथ तक के हम लोग चला रहे हैं, जब तक कि हमारा आई का वैल्यू लेंथ से क्या है, या तो इक्वल है या तो छोटा नहीं हो जाता, तब तक कि ये चलाते जाना है आपको। और प्लॉट, प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट है हम लोग का एक्स कॉमा वाई, प्लॉट कर रहे हैं हम लोग एक्स कॉमा वाई प्लॉट फंक्शन का यूज करके। और एक्स को लगातार हम लोग क्या करना है, पुराना एक्स प्लस नया एक्स, ये क्या है हम लोग का इंक्रीमेंटेड, एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, डेल एक्स डेल वाई भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। बुक में आपको ऐसा दिया होगा तो हम ऐसा लिख दिए, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो x नया x निकाले, नया y निकाले और i को बढ़ाते गए, फिर से वो क्या होगा, while लूप दौड़ेगा, फिर से ये पॉइंट चलेगा, प्लॉट हुआ, फिर x बढ़ा, y बढ़ा, i का वैल्यू बढ़ा, फिर से प्लॉट होगा, ऐसे चलता जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन फेल होगी तो हम लोग का एल्गोरिदम खत्म हो जाएगा, हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे पूरा अप्रोच देखे डीडीए एल्गोरिदम का। एक छोटा सा टॉपिक और यहां पे रह जाता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिससे क्या होगा हम लोग का अगर डिफरेंस लिखने आया तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ब्रेसनहैम्स एल्गोरिदम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जहां पे हम लोग उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, आप पेपर में आराम से ये सारी चीजें लिख पाएंगे। देखिए एडवांटेज की अगर मैं बात करूं डीडीए एल्गोरिदम में, तो ये काफी फास्टर है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, तो फास्टर तो है काफी, बहुत इजी टू इंप्लीमेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको स्पेशल नॉलेज स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। और इट कैलकुलेट पॉइंट ऑन द लाइन विदाउट एनी फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि हम लोग राउंडिंग ऑफ करते जाते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट का नहीं कर रहे हैं वहां पे, हम लोग राउंड ऑफ करते जा रहे हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये काफी पुअर है इसकी एक्यूरेसी, ठीक है, और साथ ही साथ क्यूमुलेटिव एरर्स भी हैं यहाँ पे। अब ऑब्वियसली बात है, आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो एकदम एग्जैक्टली आपको एग्जैक्ट पॉइंट तो देगा नहीं, क्यूमुलेटिव एरर होंगे। अब फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन इज स्टिल नीडेड, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है भैया, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का एडिशन जरूर हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन होगा तो लगातार क्या होगा हमारा एल्गोरिदम क्या होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट की जहाँ पे बात आ जाती है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इट इज ओरिएंटेशन डिपेंडेंट ड्यू टू दिस एंड पॉइंट एक्यूरेसी इज पुअर, तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, हमारे एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का ये, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, हर पॉइंट के लिए एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, इसीलिए क्या है थोड़ा सा ज़्यादा डिसएडवांटेज दिख रहे हैं, एडवांटेज कम दिख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं उतना अच्छा अप्रोच नहीं है आजकल के जमाने में, तो इसको यूज भी नहीं करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां पे हम लोग ब्रेसनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा है, बेहतर है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में, आजकल की दुनिया में तो वैसे ये भी यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही ऐसा डिज़ाइन है कि इन चीज़ों को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ यूज़ नहीं किया जाता, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करता, अगले वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे आपको और अच्छे एल्गोरिदम सीखने मिलेंगे। और तो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर एफर्ट ठीक लग रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।